राहुल गांधी ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण आखिर कहां है। उन्होंने कहा हमने राज्यसभा से इसे पास किया, लोकसभा में नहीं हो पाया। SC ST के लिए हमने ये दिया, आपने SC ST तक आप भी सीमित थे, आपने पूरे समर्थन के साथ इस चीज को एक्सेप्ट भी करा है। अब आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक कंफ्यूजन और बना रहे हैं। 2024 से पहले ये बिल ला दिया गया, पास करा दिया गया है, क्या सिर्फ वोटों के आधार पर है, क्या बीजेपी भी सिर्फ वोटों के लिए कर रही है? 6 महीने पहले जो ये काम होते हैं ना, चाहे मैं इसमें ना BJP को बोलूँगा या कांग्रेस, दोनों पार्टियाँ, दोनों चारों छह जितनी भी पार्टियाँ हैं, ये सिर्फ आप कार्ड खेलती हैं। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण और मैं हूँ हरीश असवाल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, लेकिन इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। राहुल गांधी ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण आखिर कहां है, ये मिलना चाहिए। हरीश जी मेरे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ओबीसी महिलाओं का आरक्षण कहां है, क्या ओबीसी आरक्षण इसी में इंक्लूड हो गया है जनरल कैटेगरी में, क्योंकि SC ST के लिए तो अलग से बोनस है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने कहा है कि ओबीसी कहां है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब वो उन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट में जब इसको महिला आरक्षण को लेके आए थे, उस टाइम ओबीसी कहां था, क्या उनकी उसमें था? उन्होंने कहा हमने राज्यसभा से इसे पास किया, लोकसभा में नहीं हो पाया। आप मुझे राज्यसभा का दिखा दीजिए जहां पर आपने ओबीसी को कहा हो कि ओबीसी के लिए हमने ये रिजर्वेशन दिया है, SC ST के लिए हमने ये दिया है। आपने SC ST तक आप भी सीमित थे, आपने पूरे समर्थन के साथ इस चीज को एक्सेप्ट भी करा है। अब आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक कंफ्यूजन और बना रहे हैं। आप ये कंफ्यूजन बना रहे हो कि SC ST को आपने इतनी सीटें दी, ओबीसी की कहां है, अपने में नहीं थी, आपने ये भी क्लियर कर दिया। दूसरी बात, आपने कहा ये 10 साल बाद लागू होगा, आपने कहा ये अभी लागू हो सकता था आपकी जनगणना जो आपकी सरकार में जनगणना होती है उसके आधार पर। मैं बोलता हूं चलिए ठीक है, अभी इसे लागू हो सकता, आपने क्यों नहीं किया? राजनीति अब करते हो, ठीक है, आप अब पक्के भी हो गए हो, मैं ये मानता हूं राहुल गांधी जी को कि पहले से अब में इंप्रूवमेंट है, पर कुछ चीजों को ज्ञान उनको लेना चाहिए कि जहां पर उन्होंने अपनी सरकार पर नहीं कर पाए थे और आज बोलते कि ये तो कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते थे ये कर सकते हैं, हमारी जनगणना को पकड़ ले। अरे भैया, तुम खुद कह रहे हो कॉपी पेस्ट है, हमारी जनगणना को पकड़ ले, तो तुमने क्यों नहीं किया? तो उसमें तो ये हवाला दिया जा रहा है ना कि हम लेकर आए थे राज्यसभा में, हमने पास भी करा दिया था। हाँ, तो अब मैं लोकसभा का बताया था क्यों नहीं हुआ था? मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जो है वो इसका विरोध करने लगे। जी जी, इनको डर था कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, आपके JDU के शरद यादव, ये सब छोड़ के चले जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, इनको ये डर था। उस टाइम पे भी इन्होंने भरमाने का काम किया था, इन्होंने मतलब फीमेल कार्ड खेला और उसको एक तरह से दूर रखा कि भैया देखो हम आपके लिए कर रहे हैं। आज भी यही कह रहे हैं, ये आज भी इनका यही कहना है कि देखिए हम तो उस टाइम किया था, हमारा कॉपी पेस्ट है, आज भी हम समर्थन कर रहे हैं, पर ये 10 साल बाद लागू होगा, हमारे टाइम का ले लेते, ये करते, जनगणना करते। आप कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो? तो बेसिकली देखा जाए तो एक कंफ्यूजन की स्थिति पहले भी पैदा की गई थी और अब भी वही हो रहा है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम तो इसकी पूरी तरह से सपोर्ट में हैं क्योंकि राज्यसभा में 214 वोट पड़े हैं और लोकसभा में 454 वोट पड़े हैं, तो ये कहा जा सकता है कि हर कोई इसका समर्थन कर रहा है, सिर्फ AIMIM के दो जो सांसद हैं वो इसको बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन सवाल हम जनता के सामने रखना चाहते हैं और उन नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आप लोग कन्फ्यूजन क्यों बढ़ा रहे हैं। देखिए, 10 साल बाद, क्योंकि इस बिल में लिखा गया है, ये भी फैक्ट है कि 10 साल तक लग जाएंगे क्योंकि पहले जनसंख्या, आपने कहा ना जनगणना होगी, वही मैं बोल रहा हूँ। आपने जब ये बिल पढ़ा, आपने कहा कि इसमें 10 साल लग जाए, आपने साइन क्यों किया, आपने समर्थन क्यों दिया अगर आप एग्री नहीं थे? बिल्कुल, अंदर आप समर्थन देते हो, बाहर आप कन्फ्यूजन करते हो, तो ये तो दोनों तरफ से खेलने वाली बात होगी कि हमने समर्थन तो दे दिया कि हाँ ठीक है पास होना, आप उसी टाइम बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में पसंद नहीं है, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये भी जरूरी है जनता को समझाना और समझना भी जनता को कि 2024 से पहले ये बिल ला दिया गया, पास करा लिया गया है, क्या सिर्फ वोटों के आधार पर है, क्या बीजेपी भी सिर्फ वोटों के लिए कर रही है? देखिए, 6 महीने पहले जो ये काम होते हैं ना, चाहे मैं इसमें ना बीजेपी को बोलूँगा या कांग्रेस, दोनों पार्टियाँ, दोनों चारों छह जितनी भी पार्टियाँ हैं, ये सिर्फ आप कार्ड खेलती हैं और लोग भी लास्ट के 6 महीने में ही इनको आंकलन करते हैं कि हमने वोट किस आधार पर देना है। ये पिछले 4.5 साल या 9.5 साल
इनकी सरकार के 10 साल उनके आधार पर होना चाहिए वोट, इनके 9.5 साल के आधार पर होना चाहिए वोट। अब ये 6 महीने में क्या डिसाइड करने वाले हैं ये लोग? आपने पूरे 4.5 साल जो काम किया उसके आधार पर वोट मांगिए, आपने बिल पास करा लिया, बहुत अच्छी बात है, अब हो गया इसका इसका चैप्टर क्लोज हो गया, इम्प्लीमेंटेशन होगा ओके, पर आपका काम आपके वोट को डिसाइड करेगा। आप आज बोल रहे हो कि हमने ऐसा कर दिया वैसा, आप 6 महीने में जो राजनीति कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं पक्ष में होता हूँ कि काम के वजह से। आपने 4.5 साल में कितनी शिक्षा दी, कितनी सुरक्षा दी, कितनी महिला सुरक्षा के ऊपर आपने काम किया, कितने आपने अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों पे आपने काम किया, ये इन चीज़ों के ऊपर वोट होना चाहिए। महिला आरक्षण बिल, कितने को आपने रोजगार दिया, ये सब चीज़ों पर बात होनी चाहिए। इन आप उन आंकड़ों के ऊपर आके आप बात कर लें आज। और बिल भी लाया जा रहा है तो उसमें भी बहुत सारी शर्तें हैं। शर्तें ये कि जनसंख्या या जनगणना की हम बात कर लें, जनगणना होगी, परिसमन आएगा, परिसमन के बाद ये लागू हो गया, इस प्रोसेस में कितने साल निकल जाएंगे ये ना मैं जानती हूँ, ना आप जानते हो, ना हमारी जनता जानती है, लेकिन जनता को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओबीसी का जिक्र लगातार हरीश जी इसमें हो रहा है, मुझे बस यही सवाल अंदर अंदर से लगातार उठ रहा है कि ओबीसी को ऐसे दूर क्यों किया जा रहा है, कि ओबीसी को हम जनरल में माने, ओबीसी अलग से ओबीसी कुछ है, को, क्या है? ओबीसी को इन्होंने जनरल में ही काउंट किया है, ओबीसी का कोई एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं दिया। ओबीसी वाला अगर जनरल सीट से भी बढ़ता है तो समझ लीजिए वो जनरल कैटेगरी। इसका मतलब तो ये है कि विपक्ष ये कह रहा है कि ओबीसी का आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया, सरकार ने चाहती नहीं आरक्षण देना ओबीसी को, इसका मतलब हम ये समझे पहले इसकी लड़ाई चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आरक्षण एक तरह से इन्होंने यहाँ पर खत्म किया है, बिल्कुल खत्म किया है, ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और आरक्षण की सही, अब ये प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा उसके लिए अभी, क्योंकि समय इसमें कम से कम आधा पौन घंटा हमारी चर्चा में चला जाएगा। आरक्षण का असली मतलब क्या था उसको समझना बहुत जरूरी है। आरक्षण पहले दिया क्यों गया था, इसकी सीमा क्या थी, इसके बाद इसमें पॉलिटिकल एंगल बढ़ते गए जो आज 1947 से लेकर आरक्षण आज भी चलता आ रहा है। अब इसको सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल, अब राजनीति के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी आरक्षण के नाम पे आप ओबीसी एससी एसटी को ले आओ, कभी आप बांग्लादेशी को ले आओ, कभी आप किसी को ले आओ, ये सब राजनीति का एक हिस्सा बन के रह गए। एक्चुअल मायने में जिनको आरक्षण जिस कारण से दिया गया था उसके ऊपर आज डिबेट हो जाए तो मैं समझता हूँ आधे से ज्यादा आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण खत्म हो जाएगा, आधे लोग बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ना लोग, क्योंकि जिस तरह से जब से हम आजाद हुए हैं, आजादी के बाद से ही हमने आरक्षण को दूसरे तरीके से देखा है, हमने इसका दूसरा पहलू तो कभी देखने की कोशिश नहीं की, ना हमने दिखाया गया ऐसे नेताओं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं इसमें, छोटा सा आरक्षण का छोटा सा मतलब बताए तो, आरक्षण एक परिवार, एक समुदाय और एक पिछड़ी जाति को आगे लाने के लिए था, वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए था। उसमें ये कहा गया था कि भाई अगर एक फैमिली में एक को आरक्षण मिल जाता है और वो फैमिली विकसित हो जाती है तो उसके बाद उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। पर हो क्या रहा है, उसकी पुश्ते सब उसको आरक्षण को इनकैश करती हुई चल रही है। आपको वहीं स्टॉप कर देना, एक ने आरक्षण ले लिया, उसकी फैमिली का विकास हो गया, उसके आगे उसका आरक्षण खत्म, यही मतलब था आरक्षण का। आरक्षण का इसके अलावा कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसको पूरी तरह से जाति के आधार पर, बिल्कुल बिल्कुल, जाति के आधार पर आरक्षण मिले, शिक्षा के आधार पर, या फिर जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि गरीबी के आधार पर, कि कोई गरीब व्यक्ति है जो आगे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है उसके आधार पर। दूसरा मैं इनको बता दूं दोनों पार्टियों को कि महिलाओं से इनको डर भी बहुत है, दोनों को महिलाओं से डर ऐसा है कि महिलाएं अगर आज जो क्वांटिटी 33% की क्वांटिटी में अगर आज राज्यसभा लोकसभा विधानसभा में आ जाती है और महिलाओं ने जिस तरह से अपने आप को डेवलप किया है, इस तरह से इनको ये डर है कि हम ओवरटेक ना हो जाए। ये ओवरटेक का जो डर है ना वो दिन पर दिन इनको जो टाइम गेन करने का, यही वजह है कि 50% आरक्षण की मांग जैसे मायावती ने की, डिंपल यादव ने की, राबड़ी देवी ने की, और भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो राजनेता हैं, उन्होंने डिमांड की थी कि 50% 50-50 होना चाहिए, 33%। बिल्कुल उनकी डिमांड जायज थी, ऐसा कुछ डिमांड की गलत नहीं थी, पर हाँ महिलाएं जिस तरह से अपने आप को डेवलप किया, जिस तरह से उन्होंने विकसित किया अपने आप को, जिस तरह से उन्होंने अपनी अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाया और आज वो देश की हर चीज को समझती हैं, वो घर तक सीमित नहीं है। तो पुरुष प्रधान जो देश है ना हमारा, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये डर बस गया। मैं एक पुरुष होते हुए ये बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये डर कहीं ना कहीं है कि हम ओवरटेक ना हो जाए। होना भी चाहिए क्योंकि इसरो तक में महिलाएं हैं। अब और मैं क्या क्या उदाहरण दूं आपको, फाइटर जेट की बात कर लूं,
शिप की बात कर लूँ, नेवी की बात कर लूँ, आर्मी की बात कर लूँ या कुछ और, हाउस मेकर? मैं शरद यादव का बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने गलत ढंग से उन्होंने उसको उल्लेख किया था, परकटी महिलाएं कहा था, उनका तरीका गलत था, शब्द भी गलत थे, सोच भी गलत थी, पर उनके अंदर का जो डर था ना, वो डर आज राजनेताओं के अंदर चुप्पी साधते हुए वो डर है, उनको ये पता है। उनका ये कहना था कि ये जो महिलाएं बाल कटी हुई महिलाएं हैं, ये गांव की महिलाओं के बारे में क्या जानेंगी, ठीक है, उनकी समस्याओं को कैसे समझेंगी। जब आरक्षण मिलेगा ना, गांव की महिलाएं जब संसद में आके बैठेंगी या विधानसभा में आके बैठेंगी, मैं समझता हूँ कि जितने ये बैठे हैं ना अभी राजनेता, जितने अपने आप को पढ़े लिखे, आपने अभी इसरो के ऊपर सुना होगा, मैं आपने पुरुषों की बात कर लूँ तो एक राजभर जी का बयान था जिसमें वो बोलते हैं कि जो चांद पे गए हैं वो चांद वापस आने की हम उनकी शुभकामनाएं कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता क्या गया है, चांद पे गए हैं कुछ इस तरह की बात। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस तरह के कई कई उदाहरण आपको क्लियर हो जाएंगे जब महिलाएं वहां पहुंचेंगी। महिलाएं एक बार ये बैठाएं तो सही। और उदाहरण के तौर पर मैं देखिए, अब हमारे बीच वो नहीं है स्वर्गीय सुषमा स्वराज, जब वो बोलती थी बिल्कुल सुनते थे थर्राते थे, वो यहाँ से बोलती थी और आवाज उनकी वर्ल्ड लेवल पर जाती थी। और कितने उन्होंने ऐसे काम किए हैं, कितने ऐसे बच्चों को उन्होंने बचाया है जिसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं आपको शीला दीक्षित से ले लो, आज दिल्ली का आज विकास जो हुआ है, क्या आप मानती हैं कि उसमें शीला दीक्षित का हाथ नहीं है? बिल्कुल, शीला कायाकल्प शीला दीक्षित की देन है, शीला दीक्षित की देन है। और कोई इससे नकारता है तो मैं बोलता हूँ कि वो सबसे बड़ा झूठा है। बिल्कुल, शीला दीक्षित ने जो दिल्ली का कायाकल्प किया है वो कोई नहीं कर पाया। इसी तरह से कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है, और कई महिलाएं आगने वाले इस देश को बहुत कुछ दे सकती हैं। और यही वुमन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण बिल लाया गया है। लेकिन हरीश जी, इंतजार हमें करना होगा, ये इंतजार क्यों? देखिए, इंतजार क्यों, ये जनता को डिसाइड करना है कि हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट दे, चाहे कांग्रेस दे, बीजेपी दे, लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हम आपके 4.5-9 सालों के ऊपर आपको वोट देने वाले हैं और वो उसी पे हम वोट देंगे। आपने अच्छा किया आपको अच्छा मिलेगा, आपने खराब किया आपको हटा दिया जाएगा, नेक्स्ट को लाया जाएगा। पर नेक्स्ट के बयानबाजी जो है ना, मैं राहुल गांधी की वैसे तो मैं बहुत तारीफ कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने अंदर जो चेंजेस लाए, जो उनके अंदर जो पहले के राहुल गांधी में और अब के राहुल गांधी में फर्क, जो मोहब्बत की दुकान लगा के वो बैठे हैं उसमें नफरत तो ना फैलाएं, वो इस तरह की ओबीसी SC ST कार्ड तो ना खेलें। आप जब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये महिलाओं के लिए है, तो महिलाएं इसके लिए आवाज उठाएं। बिल्कुल, कमेंट करके जरूर बताएं, खासकर की महिलाएं, कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आपकी क्या राय है महिला आरक्षण बिल को लेकर, वो भी कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, आगे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।